जी, आज का आपका दौरा गुजरात का है, आज समीक्षा भी करने वाले हैं, क्या एजेंडा रहेगा आज का? देखिए, एक समय ऐसा हुआ करता था जब ये माना जाता था कि आखिरी वोट गिरने तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, ऐसा समझा जाए। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि आखिरी वोट के अलावा जब तक के आखिरी वोट गिन नहीं लिया जाता, हाथ में सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, तब तक के चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। हम यहाँ पर आज हमारे तमाम प्रत्याशियों से मिलेंगे, जिले के एवं शहर के अध्यक्षों से मिलेंगे और उनके तमाम साथियों से बातचीत करते हुए ये प्रक्रिया के आखिरी तक वो सजग रहे, ध्यान रखे और ये बात का एहसास रखे कि चुनाव की प्रक्रिया ख़त्म होने में और भी समय बचा है। देखिए, परिवर्तन की लहर पूरे और नज़र आती है। गुजरात में हम पहले से ही कहा करते थे कि 10 से अधिक सीटों पर जीतने का, लोगों के समर्थन का हमें पूरा भरोसा है और ये आश्चर्य नहीं होगा अगर इस तरह के परिणाम गुजरात में आते हैं तो। और पूरे मुल्क में परिवर्तन की लहर चली हुई है। 4 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी, मैं समझता हूं कि यहां पर परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलेगी। कितनी सीटों का आकलन है यहां का गुजरात के लिए और देश के लिए? देखिए, गुजरात के बारे में पहले से ही लगातार हम कहते रहे कि 10 से अधिक सीटों पर लोगों का समर्थन मिलते हुए हम जीत की अपेक्षा रखते हैं। देश भर में अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। 4 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी तब पूरा का पूरा पता चल ही जाएगा। लेकिन पूरा माहौल, एक पूरा वातावरण, लोगों में ज़बरदस्त निराशा है, लोगों में क्रोध है। 10 सालों तक के लोगों को जिस तरह से बहकाया गया, जिस तरह से उनके आँखों में धूल झोंकी गई, एक तरह से लोगों में बहुत ज़बरदस्त क्रोध और एक रंजिश है सरकार के प्रति और वो वोट में तब्दील होगी।